हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 5 का पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 24 एंड चैप्टर नंबर 25। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 23 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको इस बुक का जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 24। चैप्टर 24, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। The boy made a kite. The boy laughed. If I tell you the boy made, it does not make complete sense. You want to know the boy made what? When I say the boy made a kite, I name the object which he made. The word kite is therefore called the object of the verb made. अब बच्चों, इसमें आपको क्या समझ में आया? इसमें हमको क्या दिए हैं? टू सेंटेंसेस दे हैव गिवन अस। फर्स्ट वन इज द बॉय मेड अ काइट एंड द नेक्स्ट वन इज द बॉय लाफ्ड। अब जब हमने वर्ब को क्वेश्चन किया व्हाट से, व्हेन वी क्वेश्चन वर्ब विथ अ वर्ड व्हाट, तो हमको जो आंसर मिला दैट इज व्हाट, काइट मेड व्हाट, काइट। तो जो काइट है हमारा वो क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में क्या है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हमने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ा है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां पर हमको वर्ब से क्वेश्चन करते हैं और हमको आंसर मिलता है, दैट आंसर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, अभी यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिला मेड व्हाट, काइट। अब मैं नेक्स्ट में क्वेश्चन करूं लाफ्ड, लाफ्ड व्हाट, मुझे आंसर मिला नहीं मिला। इट मींस इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। द वर्ब मेड विथ रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस is called a transitive verb। और अब हमको क्या बताया है, जो verbs होते हैं, verbs हमने पढ़े हैं, verbs क्या होते हैं, action words होते हैं, जो main verbs हमारे होते हैं sentences में, जो इसको हम doing words भी बोलते हैं। तो अभी हमको बताया है जो transitive verbs होते हैं उसमें हमारे पास में क्या होता है, object होता है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि अगर हम वर्ब को क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, अगर हम वर्ब को क्वेश्चन करते हैं व्हाट से और अगर हमको आंसर मिलता है, तो वो जो वर्ब है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट से और हमको आंसर नहीं मिलता है, तो वो हमारा होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्योंकि जब व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या पर मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, और जब ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है, और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है। If I say the boy laughed, I make complete sense. You know what the boy did? He laughed. The verb by itself makes good sense. Such a verb as the verb laughed that does not require an object but makes good sense by itself is called an intransitive verb. देखो, अगर सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब है तो doesn't mean कि वो जो सेंटेंस है, that sentence is not making complete sense. The sentence is complete itself. But वो जो verb है उसमें हमको object नहीं मिला, तो without object ही वो sentence क्या है, complete है, वो sense बना रहा है, तो इसलिए वो क्या है,
इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होता है और जो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस कैन मेक इट्स कंप्लीट सेंस। इट विल बी सीन दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नाउ दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स हियर, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। हरी शट द विंडो। नाउ शट व्हाट, एम आई गेटिंग हियर ऑब्जेक्ट, विंडो। शट व्हाट, विंडो, आई एम गेटिंग हियर ऑब्जेक्ट, इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ सी हियर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, द चाइल्ड स्टिल लिव्स। लिव्स व्हाट, लिव्स व्हाट, हमको आंसर मिला, नहीं मिला, तो हमारा क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है। करीम ओपन्ड द डोर। ओपन्ड व्हाट, डोर। सम एनिमल स्विम। स्विम व्हाट, हमने स्विम हुम नहीं पूछा है, हमने स्विम व्हाट पूछा है, तो आंसर नहीं मिल रहा है, इट मींस इसके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है। If object is not there, it's a intransitive verbs. Rama saw a snake. So what? Snake. Object is there. The poor women wept. Wept what? I'm not getting any answer. So it's a intransitive verb. There are only a few verbs which are always intransitive. Most verbs can be used either transitively or intransitively. अब जो वर्ब्स होते हैं ना बच्चों, वो हम उसको ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और इनट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। सेम वर्ड है, सेम वर्ब है, बट वो वर्ब एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है और वही वर्ब दूसरे सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका मतलब हम दोनों तरीके से वो वर्ब को यूज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, इन ट्रांजिटिव ही रहते हैं। दे डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। मैनी पीपल ईट राइस। अभी देखो, ईट व्हाट, राइस, तो ट्रांजिटिवली यूज किया है। सेम वर्ब ईट, वाइज पीपल ईट स्लोली। ईट व्हाट, गेटिंग आंसर, नहीं, तो सेम वर्ब है, उसको यहाँ पर इनट्रांजिटिवली यूज किया है। ही राइट्स नॉवेल। राइट्स व्हाट, नॉवेल्स। ही राइट्स लेजिबली। राइट्स व्हाट, नॉट गेटिंग एनी आंसर बिकॉज दिस डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। बिफोर यू से वेदर अ वर्ब इज अ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, केयरफुली एग्जामिन हाउ इट इज यूज्ड। अब जब हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर अ वर्ब इज अ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, यू हैव टू यूज इट और यू हैव टू एग्जामिन इट केयरफुली बिफोर आंसरिंग। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज। इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस एक्सरसाइजेस, पीडीएफ लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड इट। सो फर्स्ट वन, पेयर वर्ब। Pick out the verbs in the following sentences and decide which of them are transitive and which intransitive. Where the verb is transitive, name the object. अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि यहाँ पे हमको verbs find out करने हैं, और अगर वो जो verb है transitive है तो उसका object भी बताना है। तो फर्स्ट वन इज बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट। बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट, इसमें वर्ब क्या है, हाइड है। ओके, तो हाइड व्हाट, फॉल्ट्स, आई एम गेटिंग आंसर हियर, तो फॉल्ट मेरा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। इट मींस आई एम गेटिंग ये ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आई होप इट्स क्लियर।
हाइड वर्ब है वो कैसे यूज किया है, ट्रांजिटिव वर्ब है वो, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है फॉल्स। नेक्स्ट इज सम बॉयज थ्रू स्टोन्स एट द फ्रॉग, वर्ब क्या है थ्रू। अब देखो थ्रू व्हाट, आपको आंसर मिला थ्रू क्या, स्टोन्स। तो स्टोन्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वर्ब हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो थ्रू इज ट्रांजिटिव, क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव, आई होप इट्स विजिबल। एंड ऑब्जेक्ट है स्टोन्स, हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है मिल बच्चों, स्टोन्स। द फायर बर्नड द हाउस, बर्नड वर्ब है। अभी बर्नड से आप क्वेश्चन करो, बर्नड व्हाट द हाउस, आपको आंसर मिला यस। तो आंसर मिला, ऑब्जेक्ट मिला, मतलब ट्रांजिटिव। तो बर्नड क्या है हमारा यहां पर, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो हाउस है वो हमारा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब वर्ब क्या है, राइजेस। राइजेस व्हाट, आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब हमारा क्या है, इन ट्रांजिटिव। तो राइज हमारा कौन सा वर्ब हो गया बच्चों, इन ट्रांजिटिव। आई होप इट्स क्लियर। नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज टू, पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल इन ईच केस वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। वेयर द वर्ब इज ट्रांजिटिव, नेम द ऑब्जेक्ट, वर्क इन पेयर्स इफ यू लाइक। ओके, सो फर्स्ट वन इज बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट। बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट फोर सेंटेंस है वो ऊपर के ही फर्स्ट फोर सेंटेंसेस है, उसमें आंसर सेम आएंगे। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू अगेन, आई एम जस्ट राइटिंग योर डायरेक्टली आंसर्स। सो बच्चों आई रिटन द आंसर्स हियर, सो विल मूव डायरेक्टली टू फिफ्थ वन। द फ्रॉग जम्प्ड आउट ऑफ द पॉन्ड, वर्ब क्या है यहाँ पर हमारा, जम्प्ड। जम्प्ड व्हाट, आपको आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वो हमारा होता है इनट्रांजिटिव, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है। द गोट फेल इन टू द वेल, फेल, फेल व्हाट, आंसर मिला, नहीं मिला। तो आंसर नहीं मिला तो फेल हमारा है इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज आई नो अ फनी लिटिल मैन, वर्ब इज नो, नो व्हाट, फनी लिटिल मैन, ऑब्जेक्ट मिला। तो नो हमारा क्या है बच्चों, नो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, नो इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट इज, आई एम राइटिंग जस्ट ओ, ऑब्जेक्ट इज मैन। हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, वर्ब इज सेट। तो सेट हमारा क्या है, सेट व्हाट, आंसर मिल रहा है, नहीं। तो वो क्या है हमारा, इन ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज गो एंड सी योर फादर टूमोरो, तो गो वर्ब है और कौन सा वर्ब है, सी। सो गो व्हाट, आंसर नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो गो है वो कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव। देन सी, सी व्हाट,
फादर, सी फादर, तो सी हमारा कौन सा है, ट्रांजिटिव, एंड उसमें ऑब्जेक्ट है हमारा फादर. टेक योर बुक्स एंड गो होम, टेक योर बुक्स एंड गो होम, सो टेक एंड होम, तो टेक व्हाट, बुक्स, टेक बुक्स, तो टेक में हमको आंसर मिल रहा है, तो टेक है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट है बुक्स, ऑब्जेक्ट है बुक्स. गो, गो व्हाट, गो में आंसर नहीं मिला तो वो है इनट्रांजिटिव. द नेक्स्ट इज माई न्यू वॉच कीप्स गुड टाइम, माई न्यू वॉच कीप्स गुड टाइम, तो कीप्स हमारा वर्ब है, कीप्स वॉट, गुड टाइम, तो ऑब्जेक्ट इज देयर, तो कीप्स क्या है, ट्रांजिटिव, कीप्स क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव, एंड ऑब्जेक्ट है टाइम. द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग, द क्लॉक स्टॉप्ड, स्टॉप्ड व्हाट, आंसर नहीं मिल रहा है तो स्टॉप्ड है इनट्रांजिटिव, स्टॉप्ड है इनट्रांजिटिव. मदर टेरेसा वन द नोबल प्राइज इन 1979, वन, वन व्हाट, नोबल प्राइज, तो वर्ब कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट इज नोबल प्राइज. नेक्स्ट इज हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, वर्ब है हैड, हैड व्हाट, ग्रेट फॉल, तो हैड है ट्रांजिटिव, हैड क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट है ग्रेट फॉल. द नेक्स्ट इज द क्रो सेट ऑन द ब्रांच एंड काउड, तो वर्ब है सेट और क्या है, काउड, तो सेट व्हाट, आंसर मिला क्या, नहीं, काउड, काउ व्हाट, आंसर मिला नहीं, तो दोनों के दोनों हमारे क्या है, इनट्रांजिटिव, क्या है दोनों, इनट्रांजिटिव. नेक्स्ट इज दे वीडियोग्राफ्ड द फंक्शन, तो वर्ब है वीडियोग्राफ्ड, वीडियोग्राफ्ड व्हाट, फंक्शन, तो वीडियोग्राफ्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब, वीडियोग्राफ ट्रांजिटिव वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट इज फंक्शन, ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन. नेक्स्ट रामा लव्स वर्क बट अब्दुल हेट्स इट, लव्स वर्ब, हेट्स वर्ब, लव्स व्हाट, वर्क, हेट्स व्हाट, वर्क, इट, इट मतलब क्या, वर्क, तो लव्स ट्रांजिटिव वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट है वर्क, ऑब्जेक्ट है वर्क. देन हेट्स, हेट्स भी क्या है, ट्रांजिटिव और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट, इट मतलब क्या, वर्क. नेक्स्ट इज द बैगर सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, सेट, सेट व्हाट, आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, तो सेट है मेरा इनट्रांजिटिव वर्ब, सेट इज इनट्रांजिटिव वर्ब. नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 3,
कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सप्लाइंग एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट सप्लाई करना है. तो ही वीडियोग्राफ्ड द वेडिंग. द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स. अ शू मेकर मेक्स बूट्स. माय ब्रदर रोट दिस लेटर. ही ब्रोक द ग्लास. बच्चों आप कोई और भी ऑब्जेक्ट इसमें सप्लाई कर सकते हो. द काउ गिव्स मिल्क. बट वो ऑब्जेक्ट सूट होना चाहिए. द सन गिव्स लाइट. द मैसन बिल्ट द हाउस. द टेलर मेड द ड्रेस. द पुलिसमैन कॉट द थीफ. बच्चों जो आवाज हो रही है प्लीज आप इसे इग्नोर कीजिए. जो कंस्ट्रक्शन का वर्क बहुत टाइम से चल रहा है. द कैट किल्ड द माउस. द थीफ स्टोल द कार. द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड योर आंसर टू ईच अदर इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिसाइड विच आंसर आर द बेस्ट. आप अपने आंसर्स ग्रुप में डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं. सो बच्चों अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 25 लिंकिंग वर्ब्स. बच्चों ये लिंकिंग वर्ब्स है, लिंकिंग वर्ड्स नहीं है. आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रामा इज स्ट्रांग. दैट मैन सीम्स टू बी अ फूल. द वर्ब इन दीज टू सेंटेंसेस आर नॉट वर्ब्स ऑफ एक्शन. यहाँ पर ये जो वर्ब्स दिए हैं वे एक्शन वर्ब्स नहीं हैं. दे टेल अस विद द सब्जेक्ट इज और सीम्स एंड नॉट व्हाट द सब्जेक्ट डज. ये हमको ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है. सब्जेक्ट इज बता रहा है लेकिन सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमको यहाँ पर नहीं बता रहा है. तो मेन वर्ब तो नहीं है. सच वर्ब्स जॉइन द सब्जेक्ट टू सम वर्ड विच डिस्क्राइब्स. ये जो वर्ब्स हैं वो क्या करते हैं सब्जेक्ट को अदर वर्ड्स के साथ में क्या कर रहे हैं जॉइन कर रहे हैं. जो अदर वर्ड्स उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स. दे आर समटाइम्स कॉल्ड द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इसको और भी क्या बोला जाता है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. बिकॉज दे रिक्वायर अनदर वर्ड कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्म अ कम्प्लीट प्रेडिकेट. क्यों बोला जाता है इनकम्प्लीट. बिकॉज उनको अदर वर्ड्स चाहिए रहता है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ताकि जो सेंटेंस है जो प्रेडिकेट है वो क्या हो पूरा कम्प्लीट हो सके. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पहले भी तो आपको अच्छी तरह से आता होगा आई होप सो. Does the word strong which tells us what Rama is. जो ये strong है वो बता रहा है कि रामा कैसा है. And which is required to form the complete predicate. और वो complete predicate के लिए जरूरी है. अगर strong नहीं होगा लिखा होगा तो Rama is ये कोई sentence complete in नहीं है तो ये है incomplete. And it is called the complement टू द वर्ब. और इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब. एग्जाम्पल्स हमको कुछ दिए. सीता बिकेम सैड. द स्काई ग्रू डार्क. द बॉयज मेड ग्रेट नॉइस. द ओल्ड वुमेन लुक्स अनहैप्पी. द चाइल्ड फेल अस्लीप. ही वेंट मैड. नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 1. Pick out the verbs in the following sentences and say whether each is transitive, intransitive or a linking verb. अब आपको transitive और intransitive बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए. हमने sentences कर चुके हैं. अब हम करेंगे इसके साथ में linking verb भी. तो first verb क्या है इसमें work. Work what? नहीं मिल रहा है.
वर्क को ज्वाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। यू ये एक्शन वर्ड है, यस, तो ये लिंकिंग वर्ब भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या है, इनट्रांजिटिव। क्या है बच्चों, इनट्रांजिटिव। सच कंडक्ट डिस्प्लीजेज योर मास्टर। डिस्प्लीजेज व्हाट, मास्टर। ट्रांजिटिव, ही विल बिकम एंग्री विथ यू। बिकम, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, बिकम एक्शन नहीं है, तो क्या है, लिंकिंग। शी एट एन एप्पल। एट व्हाट, एप्पल, तो ट्रांजिटिव, एक्शन हो रहा है यहां पर। ही सीम्स इनसेंट। सीम्स, एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा ये, लिंकिंग। हरी शट द विंडो। शट व्हाट, विंडो, तो क्या हुआ, ट्रांजिटिव। द चाइल्ड स्टिल लीव्स। लीव्स, एक्शन हुआ नहीं, तो लिंकिंग। द रोज लुक्स ब्यूटीफुल। लुक्स, ये क्या है, लिंकिंग। और साथ में इनट्रांजिटिव भी है। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। स्टॉप्ड व्हाट, ट्रेन, ट्रांजिटिव। द मैंगोस टेस्ट डेलिशियस। टेस्ट, लिंकिंग, नो एक्शन इज हैपनिंग। ही शॉट एन एरो एट द बैर। शॉट व्हाट, एरो, तो ट्रांजिटिव। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। स्टॉप्ड, इनट्रांजिटिव, ये लिंकिंग नहीं है क्योंकि स्टॉप में कुछ एक्शन हुआ है। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द लिंकिंग वर्ब। यहां पर लिंकिंग वर्ब्स हमको डालने हैं। आई डैश टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। आई एम टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। ही डैश अपसेट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट द रेस। ही वॉज अपसेट। इन विंटर द डे डैश डार्क अर्ली गेट्स। आई डैश गुड व्हेन द टीचर प्रेजेस माई नीट हैंड राइटिंग। आई फील गुड। दिस स्वेटर डैश सो सॉफ्ट। दिस स्वेटर इज सो सॉफ्ट। माई फादर डैश अ ग्रेट कुक। माई फादर इज अ ग्रेट कुक। इफ यू प्रैक्टिस यू मे डैश अ चैंपियन। यू मे बिकम अ चैंपियन। शी डैश मोर रिलैक्स्ड नाउ। शी इज मोर रिलैक्स्ड नाउ। तो बच्चों इसी के साथ में हमने यूनिट 5 का पार्ट 4, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 24 एंड 25 किया है, वो कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप इसे जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, अगर आप इसे अप्रिशिएट करते हैं लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, तो हमें इससे मोटिवेट मिलता है और हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं। इससे आपको भी पढ़ाई में, स्टडीज में हेल्प मिलती होगी। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 के साथ इन्फिनिटिव्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल।